हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज मैं आपके लिए 12वीं कक्षा का जो हिंदी का किताब है उसका मैं सिलेबस लेकर के आया हूँ। देखिए, 12वीं कक्षा का जो किताब है वो पढ़ना है दिगंत भाग टू। कौन पढ़ना है? दिगंत भाग टू। तो चलिए सिलेबस देखते हैं, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर है। तो देखिए, 100 नंबर का जो आपका हिंदी का किताब है उसमें 60 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लेकिन बनाना कितना है? 85 बनाना है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में आपका दो भाग है, एक किताब है और दूसरा ग्रामर है। किताब से आपका 25 नंबर का पूछेगा और ग्रामर से 25। तो किताब में आपका पहला है कविता, कविता से 13 नंबर और कहानी से 12 नंबर। तो ये आपका हो गया 13, 12, 25। ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है? संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरा, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, लिंग निर्णय करे, पर्यायवाची। तो संधि समास 6 नंबर, संज्ञा सर्वनाम 3, विशेषण 2, क्रिया 1, शब्द 1, उपसर्ग प्रत्यय 2, मुहावरा 2, विपरीतार्थक शब्द 2, अनेक शब्दों के एक शब्द 2, लिंग निर्णय करे 2, पर्यायवाची 2। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में आपका बनाना है 85। कवि ये जो आपका किताब है इससे 25 नंबर और ग्रामर से 25। तो कविता से 13 और कहानी से 12। अब चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। तो देखिए, सब्जेक्टिव में भी दो भाग है, पहला आपका है ग्रामर और दूसरा है किताब। तो ग्रामर से आपका पूछेगा 17 नंबर का। देखिए, पत्र 5 नंबर का, हाँ, दो देगा उसमें से एक लिखना है आपको। निबंध 8 नंबर का, 4 या 5 देगा टॉपिक उसमें से एक लिखना है। संक्षेपण 4, तो पत्र 5, निबंध 1 लिखना है, 8 नंबर का। संक्षेपण 4, 8 + 13 = 17। किताब में देखिए, व्याख्या करने के लिए आएगा, कितना नंबर का? 8 नंबर का, 4 देगा जिसमें से 2 लिखना है, तो 2 × 4 = 8। अब नेक्स्ट पूछेगा आपका प्रश्न रहेगा 6, उसमें से बनाना कितना है? 5। तो देखिए, 5 × 3 = 15। फिर आपका रहेगा प्रश्न कितना? 10, बनाना है 5, कितना नंबर का? 2 नंबर का, तो 5 × 2 = 10। अब जोड़िए 8 × 15 = 23, 23 + 10 = 33। तो आपका सब्जेक्टिव में 50 मार्क्स में दो भाग, ग्रामर और किताब। तो ग्रामर से कितना नंबर आपका पूछेगा? 17 नंबर और किताब से 33 नंबर। ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव जो 50 नंबर का रहेगा उससे किताब से पूछेगा कितना नंबर? 25 नंबर और ग्रामर से आपका 25 नंबर। ऑब्जेक्टिव में जो किताब है उसमें कविता से कितना? 13 नंबर और कहानी से आपका 12 नंबर। तो ये जो आपका सिलेबस है बिल्कुल न्यू पैटर्न का है, इसे आप जरूर देखिए और इसके अनुसार तैयारी करें। और मैं आपको क्या नाम बताया था किताब का? दिगंत भाग टू, वही पढ़े, ठीक है? तो सिलेबस को देखिए, समझिए, और समझ में आए तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल न्यू सिलेबस है। ओके, धन्यवाद।